सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पत्ता गोभी से बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता। सो नाश्ते के लिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पत्ता गोभी के पैनकेक्स। तो पत्ता गोभी और गाजर मैंने बारीक कट की हुई है। आप इसको बॉइलिंग वाटर में कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे ताकि ये 50% या 60% पक जाए। मेक श्योर कि पत्ता गोभी और गाजर जो क्रंची रहनी चाहिए। आधी कटोरी सूजी मैंने भिगो के रखी थी पानी में, अब मैंने उसमें ऐड कर दिया है 1/4 कप दही एंड लगभग 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रश किया हुआ लहसुन। आप चाहें तो साथ में उसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। तो मसालों में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड साथ ही साथ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, जिससे इसका एक बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से ओरिगैनो एंड साथ ही साथ इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स। तो चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो एंड हर्ब्स डालने से क्या होगा, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। पत्ता गोभी का जो टेस्ट है काफ़ी निखर के आएगा इसमें। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही साथ थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। एंड अब बारी है इसमें ऐड करने की बॉयल की हुई गाजर और पत्ता गोभी। तो जिस तरीके से मैंने बॉयल किया आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए ये। सो टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इसमें नमक ऐड कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मेरे पास थोड़ा सा घर का बना हुआ पनीर है, तो मैं क्या करने वाली हूँ उसको क्रश करके बिखेर के अच्छे से इसमें ऐड करने वाली हूँ। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट जो है काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। बट पनीर जो है वो ऑप्शनल रहेगा, अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैं एक पैन लेने वाली हूँ एंड पैन में मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा ऑयल। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट कैबेज पैनकेक आप बनाने वाले हैं उसी के लिए आपको थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। बाकी सेम पैन में जो है आपको ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सेम पैन में आप बाकी सारी पैनकेक को बना सकते हैं। तो इन पैनकेक को आप क्या करेंगे, लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे ताकि क्रिस्पी भी हो, अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं टमाटो केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रेड चटनी के साथ, इवन बिना किसी चीज़ के आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में ट्राई करिए, मुझे कमेंट्स में बताइए दैट आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे से मेरी हर एक न्यू रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।